जय हिंद इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी एस ए आर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एस ए आर मीन सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर एस ए आर ए डी सी इज मोडिफाइड वर्जन ऑफ काउंटर टाइप ए डी सी दिस इज अ ब्लॉक डाइग्राम ऑफ एस ए आर दिस इज अ कम्पेरेटर हेयर देयर आर टू टर्मिनल दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल में जिस एनालॉग सिग्नल को हमने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसमें हम अप्लाई करेंगे ट हेयर वी आर यूजिंग एस ए आर रजिस्टर एस ए आर रजिस्टर कंसिस्टिंग ऑफ रिंग काउंटर दिस इज ए फोर बिट रिंग काउंटर हेयर देयर आर फोर आउटपुट जो रिंग काउंटर की आउटपुट है वो है फोर और यहाँ पर जो आउटपुट मिल रही है वो हमें बाइंड्री फॉर्म में मिल रही है हेयर वी आर गेटिंग डिजिटल आउटपुट रिंग काउंटर की आउटपुट को हम डिजिटल टू एनआलो कन्वर्टर में अप्लाई करेंगे डिजिटल टू एनलो कन्वर्टर क्या करेगा डिजिटल इनपुट्स को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और डीएसी की जो रेजोल्यूशन है वो है वन बोल्ट हेयर बी आर गेटिंग फीडबैक वोल्टेज और ये जो फीडबैक वोल्टेज है ये एनालॉग फॉर्म में होगी अब क्लास हमें ऑलरेडी पता है इन द केस ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर दिस इज ए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर ये बी किसके इक्वल होगा रेजोल्यूशन इन टू डेसिमल इक्विलेंट ऑफ बाइनरी इनपुट्स। अब क्लास डीए की जो इनपुट्स हैं, वो होंगी बाइनरी फॉर्म में फॉर एग्जांपल, मैं ले रहा हूं वन जीरो 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 तो ये डी क्या है दिस इज ए डेसिमल इक्विबलेंट फॉर दिस बाइनरी इनपुट्स। और वन जीरो जीरो को डेसिमल में क्या लिखते हैं एट इसी तरह से जो रेजोल्यूशन है डीएस की रेजोल्यूशन हमने वन बोल्ट ली है बी तो एफ क्या होगा रेजोल्यूशन इन टू डी अगर रेजोल्यूशन हम बन लेते हैं तो उस केस में बाइंड इनपुट्स की जो डेसिमल इक्विवेलेंट होगा वही हमें फीडबैक में आउटपुट मिलेगा दिस इज ए कॉम्पेरेटर कॉम्पेरेटर के सेकेंड इनपुट में हम अप्लाई करेंगे बी एफ फीडबैक एनालॉग वोल्टेज अब बच्चों यहां पर हम रिंग काउंटर यूज कर रहे हैं इस रिंग काउंटर की आउटपुट्स कितनी होगी फोर यहां पर फोर आउटपुट्स मिल रही हैं अब बच्चों अगर रिंग काउंटर में हम क्लॉक अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो रिंग काउंटर की स्टेट होती है वो होती है वन जीरो जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे इस वन की शिफ्टिंग होगी ये वन आगे चला जाएगा डेट इज जीरो 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 फिर नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे इसी तरह से ये वन आगे शिफ्ट हो जाएगा अगेन फिर नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे ये वन आगे शिफ्ट हो जाएगा इसके आगे प्रोसेस रुक जाएगा here we are using three terminals one is start of conversion end of conversion and this is a clock is clock hum ring counter mein apply karenge this is a control circuit ye jo control circuit hai ye ring counter ki output ko effect karega अगर ring counter normally operate करता है तो उस केस में logic वन की shifting होगी पर ये जो control circuit है ये ring counter की output को इफेक्ट करेगा वो कैसे करेगा अब क्लास अगर पॉजिटिव टर्मिनल में ये जो बी ए है इट इज ग्रेटर देन तो यहां पर आउटपुट क्या मिलेगी वन जैसे कंट्रोल सर्किट की इनपुट में लॉजिक वन अप्लाई करेंगे तो ये कंट्रोल सर्किट क्या करेगा जो रिंग काउंटर की आउटपुट होगा उसको सिंपली होल्ड एंड शिफ्ट करेगा इसका क्या मतलब है फॉर एग्जाम्पल रिंग काउंटर की आउटपुट है जीरो वन जीरो जीरो जैसे कंट्रोल में लॉजिक वन अप्लाई हुआ वन कब अप्लाई होगा जब बी ए ग्रेटर होल्ड एंड शिफ्टिंग होगी तो फिर जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे तो क्लास तो आउटपुट क्या होगी ये जो वन है ये होल्ड रहेगा होल्ड एंड शिफ्टिंग और इसकी शिफ्टिंग भी होगी तो नेक्स्ट बिट क्या हो जाएगी वन ये जीरो रहेंगे या इसी तरह से कंट्रोल के इनपुट में लॉजिक जीरो अप्लाई करते हैं लॉजिक जीरो का क्या मतलब बी ए लेस देन बी एफ बी ए लेस देन बी एफ तो उस केस में केवल शिफ्टिंग होगी शिफ्टिंग का क्या मतलब है फॉर एग्जाम्पल मैं इसी केस को लेता हूं इस टाइम रिंग काउंटर की आउटपुट है जीरो वन जीरो जीरो फिर जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे तो उस केस में रिंग काउंटर नॉर्मली ऑपरेट करेगा डेट इज इस वन की होगी जैसे अप्लाई करेंगे आउटपुट क्या मिलेगी जीरो जीरो इस वन की शिफ्टिंग हो जाएगी वन एंड जीरो कन्वर्ट करना है डिजिटल आउटपुट में तो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा मैं रिंग काउंटर में स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन स्विच को प्रेस करूंगा डेट इज इनिशियली हमने किया एसओसी स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन जैसे इसको प्रेस करेंगे तो उसके बाद जैसे ही हम फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे यहां पर हमने क्लॉक अप्लाई किया तो दिस रिंग काउंटर आउटपुट क्या मिलेगी वन जीरो 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 मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं तो यहां पर आउटपुट क्या मिली वन जीरो 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 अब बच्चों ये जो वन जीरो जीरो है इसको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में अप्लाई किया यहां पर आउटपुट क्या मिलेगी बी एफ रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन बनबोल्ट इन टू डेसिमल इक्विबेंट ऑफ बाइंड की डेसिमल वैल्यू है एट तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगी एट अब यहां परिजन होगा जीरो पॉइंट थ्री लेस देन एट डेट इज बी ए लेस देन बी एफ तो उस केस में आउटपुट क्या होगी जीरो जैसे ही कंट्रोल सर्किट की इनपुट में लोजिक जीरो अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या होगा केबल शिफ्टिंग होगी फिर जैसे हम नेक्स्ट क्लोक अप्लाई करेंगे अब जो रिंग काउंटर की नेक्स्ट स्टेट होगी वो क्या होगी जस्ट वन की शिफ्टिंग होगी रिंग काउंटर एज ए नॉर्मली ऑपरेट करेगा तो यहां पर आउटपुट क्या मिलेगी जीरो वन जीरो जीरो इसको मैंने यहां पर लिख लिया अब क्लास अब यहां पर आउटपुट क्या मिलेगी जीरो वन जीरो जीरो मतलब फोर तो यहां पर मिलेगी फोर अगेन जीरो पॉइंट थ्री लेस देन फोर कंट्रोल में अगेन लॉजिक जीरो अप्लाई होगा जैसे कंट्रोल सर्किट में लॉजिक जीरो अप्लाई होगा रिंग काउंटर एज ए नॉर्मली ऑपरेट करेगा केवल शिफ्टिंग होगी मतलब नेक्स्ट जीरो जीरो वन जीरो इस वन की होगी शिफ्टिंग और आपको ध्यान रखना है पहले रिंग काउंटर की स्टेट थी जीरो वन जीरो जीरो फिर जैसे नेक्स्ट अप्लाई किया तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी जीरो जीरो वन जीरो तो अब क्या मिला नेक्स्ट स्टेट जीरो जीरो वन जीरो अब क्लास दिस इज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इसकी डेसिमल वैल्यू होगी टू अब बच्चों जीरो पॉइंट थ्री अगेन लेस देन टू अगेन यहां पर जीरो अप्लाई होगा कंट्रोल सर्किट में लॉजिक जीरो अप्लाई होगा फिर जैसे नेक्स्ट लोग अप्लाई करेंगे आउटपुट क्या मिलेगी जीरो जीरो, जीरो 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 वन अब क्लास दिस ली सिग्निफिकेंट विट जैसे ली सिग्निफिकेंट विट में लॉजिक वन पहुंचा यह रिंग काउंटर काम करना बंद कर देगा सिंपली ये कोर सिग्नल भेजेगा एंड ऑफ कन्वर्जन तो यहां लिखूंगा मैं एंड ऑफ कन्वर्जन ये जो एनालॉग सिग्नल है इसको हमने डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया है डिजिटल में हमें क्या मिलेगा जीरो 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 वन वाई एस ए आर इज बेस्ट एज कंपेयर टू काउंटर टाइप ए डी सी इस केस में आप कोई भी इनपुट डेटा ले लो एनालॉग में कोई भी सिग्नल ले लो हमेशा आफ्टर फोर क्लॉक कन्वर्जन हो जाएगी यहां पर फोर बिट आउटपुट मिल रही थी तो यहां पर हमें फोर स्टेट्स मिली ये फोर स्टेट्स कैसे मिली जब हमने फोर क्लॉक अप्लाई किया तो मैं क्या बोल सकता हूं अगर हम फोर बिट यूज कर रहे हैं तो कोई भी आप इनपुट सिग्नल एनालॉग में ले लो फोर क्लॉक में कन्वर्जन हो जाएगी इसी तरह से अगर मैं आउटपुट में एन बिट्स लेता हूं तो उस केस में इनपुट में आप कोई भी एनालॉग सिग्नल ले लो टोटल एन क्लॉक में एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा अब क्लास इस क्वेश्चन में केवल शिफ्टिंग ही हुआ अब मैं सेकंड केस देखता हूं जिसमें होल्ड और शिफ्टिंग दोनों ऑपरेशन होते हैं एग्जांपल मुझे एनालॉग सिग्नल है 7.3 इसको मुझे डिजिटल में कन्वर्ट करना है यहां पर आउटपुट में हम 4 बिट्स ले रहे हैं तो बच्चों इनिशियली आपको पता है रिंग काउंटर को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन एंटर करना पड़ेगा अगेन जैसे फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन जीरो 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 दिस इज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर तो यहां पर आउटपुट क्या मिलेगी रेजोल्यूशन इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर दिस बाइनरी दैट इज एट और जैसे हमने क्लॉक अप्लाई किया था यहां पर जो आउटपुट क्या मिल रही थी वन जीरो जीरो अब बच्चों बी एफ है एट एट इज ग्रेटर पॉइंट थ्री मैं क्या बोल रहा हूं बी एफ ग्रेटर देन बी ए अगेन नेगेटिव इनपुट पॉजिटिव से ज्यादा है तो कंट्रोल में क्या अप्लाई करेंगे लॉजिक जीरो अगेन रिंग काउंटर नॉर्मली ऑपरेट करेगा फिर जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे वन की शिफ्ट ही हो जाएगी वन जीरो जीरो पर आउटपुट क्या मिलेगी जीरो जीरो अगेन इसको जैसे ही डी में डालेंगे तो यहां पर आउटपुट क्या होगी फोर अब बच्चों दिस इज सेवन पॉइंट थ्री दिस इज फोर तो मैं क्या बोलूंगा जैसे ही सेवन पॉइंट थ्री ग्रेटर देन फोर हुआ डेट इज बी ए ग्रेटर देन बी एफ हुआ अगेन यहां पर आउटपुट मिलेगी वन अब जैसे ही कंट्रोल सर्किट की इनपुट में लॉजिक वन अप्लाई करेंगे अब जो रिंग काउंटर की आउटपुट है वो चेंज हो जाए यहां पर क्या होगा होल्डिंग एंड शिफ्टिंग डेट इज जैसे फिर हम क्लॉक अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी ये होल्ड रहेगा वन और साथ में शिफ्टिंग होगी डेट इज वन यहां पर अगेन जीरो जीरो अब बच्चों नेक्स्ट स्टेट क्या मिली यहां पर जीरो वन वन जीरो आपको याद क्या रखना है होल्ड और शिफ्टिंग में क्या होता है इस वन को आगे शिफ्ट करना था इसको होल्ड भी रखा और आगे शिफ्ट भी किया अगेन फिर जैसे इसको फीडबैक के थ्रू अप्लाई करेंगे इस इसकी डेसिमल वैल्यू है एट फोर टू वन डेट इज सिक्स अब बच्चों सेवन पॉइंट थ्री अगेन ग्रेटर देन सिक्स अगेन पॉजिटिव टर्मिनल में इनपुट ज्यादा है एज कंपेयर टू नेगेटिव टर्मिनल अगेन की आउटपुट होगी वन दैट इज कंट्रोल्ड सर्किट की इनपुट में जैसे ही अप्लाई किया अगेन रिंग काउंटर की आउटपुट चेंज होगी यहां पर क्या होगा शिफ्टिंग एंड होल्डिंग मतलब ये वन देखना है इस वन को होल्ड करना है और इस वन को आगे शिफ्ट भी करना है अब जैसे ये वन हमें एल एस बी में मिला दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट दिस इज एल एस बी प्रोसेस रोक देना है उस टाइम पे रिंग काउंटर स्टॉप हो जाएगा और एंड ऑफ कन्वर्जन में सिग्नल भेज देगा कि प्रोसेस रुक चुका है तो यहां पर आउटपुट क्या मिलेगी जीरो वन 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 और आगे क्या हो जाएगा एंड ऑफ कन्वर्जन तो बच्चों आप फिर देख सकते हो सेवन पॉइंट थ्री को फोरबिट में कन्वर्ट करना था 4 बिट में कन्वर्ट क्या हुआ जीरो वन 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 टोटल क्लॉक कितनी लगी फोर फर्स्ट क्लॉक में हमें यह मिला था सेकंड क्लॉक में ये सिग्नल मिला थर्ड में यह बाइंड्री आउटपुट मिली और फोर्थ में ये आउटपुट मिली अब बच्चों आप डायरेक्ट भी कर सकते हो आपको सर्किट देखने की जरूरत नहीं है वो कैसे होता है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सिग्नल है फाइव पॉइंट मुझे इसको कन्वर्ट करना है डिजिटल में तो पहले क्या होगा आपको पता है पहले क्या करना पड़ेगा स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन उसके आगे जैसे ही फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या मिलती है 0, 0, 0. इसकी डेसिमल है एट अगर मैं रेजोल्यूशन लेता हूं 1. अब यहां पर एट फाइव पॉइंट टू से ज्यादा करना है कम जब वैल्यू कम करनी है तो हमेशा शिफ्टिंग होगी शिफ्टिंग मतलब इस वैल्यू को मुझे कम करना है तो शिफ्टिंग कैसे होगी ये वन आगे को शिफ्ट हो जाएगा डेट इज जीरो 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 अगेन इसकी डेसिमल वैल्यू है फोर अब ये जो फोर है 5.2 से कम है मुझे इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है तो मैं इसको इंक्रीज कैसे कर सकता हूं मुझे शिफ्टिंग एंड होल्डिंग करनी है अगेन ये वन एज ए होल्ड रहेगा अगेन आगे शिफ्ट भी होगा अगेन इसकी अगर मैं डेसिमल वैल्यू देखता हूं तो दिस इज ए सिक्स अगेन सिक्स फाइव पॉइंट टू से बढ़ा है तो उसकी वैल्यू मुझे कम करनी है कम कैसे करूंगा मैं शिफ्टिंग करूंगा शिफ्टिंग कैसे होगा बच्चों वन और यहां पर जीरो आ जाएगा और जैसे ही वन ली सिग्निफिकेंट बिट में पहुंचा प्रोसेस यही रोक देना है यहां पर क्या होगा एंड ऑफ कन्वर्जन सिंपली 5.2 पॉइंट सिग्नल को अगर डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो इक्विवेलेंट क्या होगा जीरो वन जीरो तरह से बच्चों उसको देखते हैं एसओसी करेंगे पहले स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन आउटपुट क्या मिलेगी वन जीरो वैल्यू है एट एट नाइन पॉइंट थ्री से क्या है कम तो मुझे इसकी वैल्यू बढ़ानी है बढ़ानी कैसे होगी होल्डिंग एंड शिफ्टिंग होगी मतलब इस वन को होल्ड करना है और आगे शिफ्ट करना है तो दिस इज ट्वेल्व अगेन इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी है मुझे कम करनी है कम मतलब शिफ्टिंग होगी मतलब अगली स्टेट क्या मिलेगी वन इस वन को आगे शिफ्ट करना है तो यहां पर क्या होगा जीरो वन जीरो अगेन दिस इज टेन टेन अगेन नाइन पॉइंट थ्री से बढ़ा है इसकी वैल्यू मुझे क्या करनी है कम तो अगेन शिफ्टिंग प्रोसेस होगा ये वन आगे को शिफ्ट हो जाएगा वन जीरो जीरो वन अब वन एल में पहुंच चुका है प्रोसेस यहीं रोक देना है एंड ऑफ कन्वर्जन तो डेट इज 9.3 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे तब तो रिजल्टेंट क्या रहेगा जीरो वन अब बच्चों एस ए आर का बेनिफिट क्या हुआ यहां पर जो आउटपुट सी हमें फोर बिट बाइनरी में मिल रही थी यहां पर हम कोई भी सिग्नल ले लें विद हेल्प ऑफ फोर क्लॉक वी विल गेट आउटपुट फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्लॉक में ये मिला सेकेंड में ये थर्ड में ये फोर्थ में ये तो बच्चों मैं क्या बोल सकता हूं मिनिमम कन्वर्जेंट टाइम कितने टाइम में हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम कन्वर्जेंट टाइम या फिर एवरेज कन्वर्जेंट टाइम ये सभी सेम रहेंगे क्या रहेंगे एन क्या है आउटपुट में हम कितनी बिट्स ले रहे हैं जैसे इस केस में आउटपुट्स में हम फोर बिट्स ले रहे थे अगर मैं स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन और एंड ऑफ कन्वर्जन को भी लेता हूँ बेसिकलीज आर ऑल्सो क्लॉक्स प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमने एसओसी में सिग्नल अप्लाई किया स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन और इसी तरह से जब वन ली सिग्निफिकेंट बिट में पहुंच जाता था तब काउंटर क्या होता था एंड ऑफ कन्वर्जन भेजता था एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल दिस आल्सो क्लॉक अगर मैं एसओसी एंड ईओसी सी को भी कंसिडर करता हूं तो उस केस में जो कन्वर्जेंस टाइम होंगे वो क्या रहेंगे एन प्लस टू टी क्लॉक टू किसके लिए है वन क्लॉक फॉर एसओसी एंड सेकेंड क्लॉक फॉर ईओसी और टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक क्या होता है फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्लॉक अगर मैं पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग की बात करता हूं इन दो एज ट्रिगरिंग के बीच की जो ड्यूरेशन है दिस इज ए टी क्लॉक अब बच्चों दिस इज एस ए आर एडीसी प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्ट्राइप ए डी सी समझा था काउंटर टाइप एडीसी में क्या होता था जो कन्वर्जन टाइम होता था वो इनपुट्स पे डिपेंड करता था डेट इज कि हम इनपुट सिग्नल कितना ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेट इनपुट जो क्लॉक सिग्नल थे वो बेरी करते थे पर जो एस ए आर ए डी सी है उस केस में आप इनपुट की कोई भी वैल्यू ले लो क्लॉक्स किसके बराबर होंगी जितने हम आउटपुट्स में बिट्स यूज कर रहे हैं क्लॉक उसके बराबर होंगी तो सिंपली एस ए आर इज फास्टर एज कंपेयर टू काउंटर टाइप ए डी सी